सो हाई ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इस वीडियो में बात करेंगे थ्री इंटरेस्ट स्टॉक्स के बारे में जो आप कल ट्रेड कर सकते हो, और इन सभी के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस पूरा हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही बात करेंगे किस स्टॉक में आप किस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हो, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रहेगा, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर गाइज वीडियो को भी आप लाइक करें। एंड अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं डेली आपको एक से दो इंटरेस्ट स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ, सो गाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आज का जो हमारा इंटरेस्ट स्टॉक था वो था कोटक महिंद्रा बैंक, एंड कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर। मैंने आपको सेल करने के लिए दिया था 1890 के लेवल पे, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली इस लेवल से हमें फॉल देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे ही स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो एंड प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि कल के सेशन के लिए हम कौन से इंटरेस्ट स्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगा स्टॉक्स को। ठीक है, सो गाइज हमारा फर्स्ट जो हमारा इंटरेस्ट स्टॉक रहेगा वो था हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। आई मीन कल के सेशन में हम कोटक महिंद्रा बैंक को ट्रेड कर सकते हैं। कंटिन्यूसली हमें एक देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था ये, यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है ये। ठीक है, मल्टीपल रिटेस्ट होने के बाद गाइस फाइनली हमें आज के सेशन में लास्ट कुछ मिनट्स के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर, एंड अभी हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमें ब्रेकआउट तो देखने को मिल गया है इस ट्रेंड लाइन का, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रही थी कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो अगर ये जो आज का लो बनाया है इसने, ठीक है, आज का जो लो बनाया है ये वाला कैंडल, इसका अगर लो ब्रेक करता है कल के सेशन में तो हम इसको ट्रेड करेंगे, और हमारे जो लेवल्स रहेंगे 1850 के लेवल पर हम इसको सेल करेंगे। टारगेट हमारे रहेंगे 1844 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 1840 का, एंड SL हमारा रहेगा गाइस 1856 का। ओके, 1850 के लेवल पर हम इसको सेल करेंगे, टारगेट हमारे रहेंगे 1844 एंड 40। ओके गाइज, एंड 56 हमारा रहेगा SL। सो गाइज ये था फर्स्ट इंटरेस्ट स्टॉक जिसको हम कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। अभी सेकंड इंटरेस्ट स्टॉक की बात करते हैं, उससे पहले अगर आपने वीडियो का लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर गाइज वीडियो को आप लाइक कर दो। सेकंड हमारा स्टॉक रहेगा वोल्टास, एंड इसमें हमारा एनालिसिस क्या है आइए मैं आपको चार्ट के ऊपर पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज तबीयत थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सो गाइज सेकंड हमारा रहेगा वोल्टास, एंड वोल्टास में हमारा एनालिसिस क्या है। सो गाइज यहाँ पे वोल्टास में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है सपोर्ट लेवल से। आप यहाँ पे देख सकते हो एक चैनल एक क्रिएट करके रखा हुआ था इसने, कंटिन्यूसली इसी चैनल के अंदर ये मूव कर रहा था। यहाँ पे आप देखो गाइज कंटिन्यूसली इसी चैनल के अंदर ये कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा था। अभी इसने ब्रेकआउट दिया अपने सपोर्ट लेवल से, यहाँ पे आप देख सकते हो इस सपोर्ट लेवल से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया है। सेम जैसे कि मैंने आपको बताया था कोटक महिंद्रा बैंक में हम ट्रेड करेंगे, सेम इसमें भी हम ट्रेड करेंगे। जो इसका आज का लो है इसका 995 का। ठीक है, तो अगर इस लो को कल के सेशन में ये ब्रेक करता है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है कल के सेशन में, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे, एंड बहुत अच्छा इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। 1990 के लेवल पर उसको सेल करेंगे, 990 के लेवल पर उसको सेल करेंगे, एंड जो हमारे टारगेट रहेंगे 985 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 980 का, एंड मैक्सिमम जो टारगेट हमारा रहेगा 973 तक का। ओके गाइस, यहाँ तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ से फॉल करता है तो कंटिन्यूसली हमें यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर कल के सेशन में। एंड जो हमारा SL रहेगा, छोटा सा SL है गाइस, 995 का SL रहेगा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड इंटरेस्ट स्टॉक जिसको हम कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज हमारा जो थर्ड इंटरेस्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा पेटीएम, एंड गाइज कंटिन्यूसली मैं उसको 5-6 वीडियोस से शेयर कर रहा हूँ, बट गाइज कंटिन्यूसली इसी सपोर्ट लाइन के आसपास ये मतलब क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ से अगर ब्रेक करता है अच्छे प्रॉफिट्स, मतलब अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, तो कल के सेशन में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज गाइज मैं सच बोलूँगा गाइज मैं इसको वॉच लिस्ट से ही हटा दूंगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इसी सपोर्ट लाइन के आसपास ये क्लोजिंग दे रहा है, बट यहाँ से अच्छा हमें ब्रेकआउट हमें नहीं दिखाई दे रहा है गाइज। ठीक है, तो अगर ये करता है ब्रेक कल के सेशन में तो
ठीक है, अगर अदरवाइज मैं इसको वॉच लिस्ट से डिलीट कर दूंगा। एंड गाइस यही था हमारा थर्ड इंटरेस्ट स्टॉक जिसके जिसको हम कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट पिक रहेगा मेरा कोटक महिंद्रा बैंक एंड सेकंड पिक मेरा रहेगा वोल्टास। एंड ये पेटीएम तो गाइस आपको पता ही है, गैप अप ओपनिंग दे देगा, फिर उसके बाद फॉल नियर इसी के क्लोजिंग दे देगा। ओके तो एंड कल के सेशन में अगर ये ब्रेक करते हैं तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज गाइस मैं इसको वॉच लिस्ट से हटाने वाला हूँ अभी। ठीक है, सो यही था आज की वीडियो में गाइस, थ्री इंटरेस्ट स्टॉक जिसको आप कल के सेशन में ट्रेड कर सकते हो। एंड थोड़ा सा तबीयत ख़राब है गाइस, इसलिए थोड़ा वीडियो आप आवाज़ भी देख सकते हो गाइस, थोड़ा आवाज़ भी ऐसी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।